अउज़ुबिल्लाहिमिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल यू एम आर फूड स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क रोज़ी में बरकत दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करे, जो बीमार हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। आज हम यू एम आर फूड चैनल में मैं आपके साथ मैंगो प्यूरी वाली ऑरेंज जो स्लाइस जूस होता है उसकी और दही वाली कुल्फ़ी शेयर कर रही हूँ, योगर्ट वाली। तो आपको पता है योगर्ट हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और मैंगो भी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। मैंगो में विटामिन ए वाफर मकदार में होता है। मैंगो खून की कमी को दूर करता है और दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है। मैंने सोचा कि आपके साथ कुल्फियाँ शेयर कर लूँ। इस तरह से बनाएं, देखें थैली में भी बनाई है मैंने, इस तरह बचपन में खाई जाती थी, तो इसे बना कर इंजॉय करें और उम्मीद है कि मेरी रेसिपी पसंद आएगी आपको। शुक्रिया। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम की कुल्फ़ी या आइस रोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आम लिए हैं। मैंगो आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको सिंदरी आम मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसे छिलकर मैंने क्यूब बना लिए हैं। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने मैंगो की ये प्यूरी बना ली है। एक अलग बाउल में मैं मैंगो की प्यूरी लूँगी। आपको जितनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना लेना चाहें। और मैंगो आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद है और ये खून की कमी को दूर करते हैं। और आपको पता है मैंगो खट्टे भी होते हैं, तो आप शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंगो कोई भी आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो भी ले सकते हैं। और ये कुल्फ़ी बहुत फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए। बच्चों को इस तरह प्यूरी पेस्ट बनाकर बच्चों को कुल्फियाँ दे बनाकर घर में साफ़ सुथरी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लिया है, कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, मैंने नीडो का लिया है। ये कैस्टर शुगर है, पीसी हुई चीनी को मैंने ब्लेंड कर लिया था पाउडर फॉर्म में, तो ये भी मैं हर ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। पेस्ट मैंने हाफ क्वांटिटी ले लिया है और अब इसमें मैं ड्राई मिल्क मिक्स करूँगी। और ये पीसी हुई चीनी है, कैस्टर शुगर, ये 2 टेस्ट अपने हिसाब से डालेंगे। अगर मैंगो आपके फटे हैं तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चे खाएंगे खुश हो जाएंगे, घर की चीज़ें बनी हुई दिखलाएँ। इस तरह मिक्स कर लूँगी मैं। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और लिक्विड दूध जो आता है फ्रेश वो भी आप डाल सकते हैं। और हाफ कप तकरीबन फ्रेश क्रीम डालें या फ्रेश मिल्क डालें। आपके पास आइसक्रीम का कोई भी मोल्ड हो आप इसमें डाल सकते हैं, या छोटे छोटे ग्लास हो उसमें स्टिक डाल के भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें ये मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। इस तरह से फिल करके और ये कैप आप लगा लें ऊपर से, और तकरीबन 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज कर लें। यहाँ पर जो मेरे पास आधी प्यूरी रह गई थी मैंने बचाई थी, उसके अंदर मैं यहाँ पर कैस्टर शुगर डालूँगी मैं 2 टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। यहाँ 1/2 गिलास मैंने वाटर लिया है, वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये वाली आइस रोली आपको बिल्कुल मैंगो स्लाइस जूस पीते हैं उस टाइप का इसमें फ्लेवर आएगा। वाटर इसमें आप 1 गिलास भी डाल सकते हैं, देखिए कितनी थिकनेस चाहिए आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से मिक्स करके इसे भी मैं कंसिस्टेंसी में डाल दूँगी, तो मोल्ड है कुल्फी के मेरे पास। इस तरह से इसमें ऐड कर लूँगी मैं। इस तरह से मोल्ड में डालकर आप इसमें आप कोकोनट भी डाल सकते हैं इस तरह से, या नट कोई डालना चाहें आप अपने पसंद के हिसाब से इस तरह डाल दें। और फिर इसे भी कवर करके हम इस तरह से रख लेंगे एयरटाइट करके फ्रीजर में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर योगर्ट की कुल्फी बनाने के लिए आपको पता है योगर्ट हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, हमारे स्किन और बालों के लिए। और हम बालों के लिए हम योगर्ट अगर आपको इस्तेमाल करना है तो एज आप कंडीशनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दही में आप 1 अदद देसी अंडा मिलाकर बालों में लगाएं, तो कंडीशनर की तरह लगाकर और फिर यूज़ करें तो बालों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे बाल। और दही बच्चों को ऐसे भी आप खाने लिए, गर्मी में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों को इसी तरह लंच के तौर पर दही इसी तरह दिया करें।
और कुल्फियाँ बनाएं दही की, बच्चों को दें, बच्चे इंजॉय करेंगे। बचपन में हम जिस तरह कुल्फियाँ खाते थे, मैंने सोचा कि आपके साथ इस तरह शेयर कर लूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन दही योगर्ट एक पाव लिया है, सॉल्ट 2 पिंच, कोकोनट क्रश 2 टेबल स्पून, खोपरा, कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, चीनी को मैंने पाउडर कर लिया था, ये 2 टेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें। तो ये वाटर लिया है मैंने 1 गिलास। सबसे पहले मैं दही में ये सॉल्ट ऐड करूँगी, क्रश कोकोनट और कैस्टर शुगर, जो पिसी हुई चीनी है, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फोक की मदद से या बीटर की मदद से आप बीट कर लें। वीडियो को फुल वॉच किया करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी। वाटर की जगह दूध भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप 1/2 कप वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। शुगर आप कम ज़्यादा करें अपने हिसाब से, क्योंकि अक्सर कभी दही खट्टा भी आता है तो आप शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप 4 से 5 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। आपके पास कुल्फ़ी के कोई भी सांचे हो या मोल्ड तो आप इसमें इस तरह से ऐड कर लें। देखिए इस तरह से फिल करके वही एल्युमिनियम की फॉइल इसके ऊपर रखेंगे और इसे पूरे अच्छे से कवर कर लेंगे। और आपके पास ये लकड़ी की स्टिक होगी, इस तरह से इसमें फॉइल में बीच में कट्स लगाकर ये स्टिक इसमें डाल दीजिए और फिर इसे भी हम फ्रीज कर लेंगे इस तरह से। बाकी जो मिक्सचर है ये देखें, इस तरह की प्लास्टिक की छोटी थैलियाँ इस तरह मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट थे। इसको आप इसमें थैलियों में डालेंगे हम लिक्विड और धागे से इसे हम बांध देंगे। इस तरह से थैलियों में डाल दें और धागा बांध दें। हमारे पास जो एक बतिया लिक्विड है दही का बचा हुआ, इसमें मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून टैंग का पाउडर लिया। कोई भी टैंग का पाउडर ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर हो जो आपको पसंद हो। मैंने मैंगो का लिया है, 1 टेबल स्पून ये ऐड करूँगी और इसे मैं मिक्स करके इसी तरह शोपर में प्लास्टिक वाली जो छोटी छोटी थैलियाँ जो आपको बताई है उसमें डालकर धागे से बांध दूँगी। आप देख सकते हैं इनको भी मैंने थैली में डाल के धागे से इस तरह से टाइट बांध दीजिएगा। थैलियाँ आपको आसानी जहाँ थैलियाँ मिलती हैं शोपर और भी चीज़ें मिलती हैं जो बेकिंग वगैरह की, वहाँ पर भी आपको आराम से मिल जाएंगी। और फिर मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी, फ्रीज़र में तकरीबन 8 से 10 घंटे या ओवर नाइट रख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने कुल्फियाँ जमने रखी थी, माशाल्लाह से ये देखें हमारी कुल्फियाँ रेडी हो गई हैं। इसे हम अब इसमें निकाल लेंगे और ये जो दही वाली बनाई थी ये भी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट, इस तरह बनाएं बच्चों को खिलाएं इस तरह से। और ये वाली भी देखें थैली में जो बनाई थी हमने, इस तरह से बनाकर एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।